गुड डे टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राइटर वन एंड टू के बेसिक भाग को आप सीख चुके हैं, आज आप ओपन ऑफिस के एक नए भाग के बारे में सीखेंगे। आज आप इंप्रेस प्रेजेंटेशन के बारे में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले राइटर का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इंप्रेस प्रेजेंटेशन का उपयोग भी आप उसी तरीके से करेंगे जैसे कि आपने राइटर के बारे में सीखा था। आइए अब राइटर का रिवीजन कर लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं राइटर वन एंड टू में आपने क्या क्या सीखा था? राइटर के भाग में आपने जो सीखा था वह कुछ इस प्रकार से है। राइटर में आपने डॉक्यूमेंट को कैसे बनाते हैं, लिखे हुए टेक्स्ट या पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को कैसे चेंज करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करते हैं, अपने फाइल से किसी दूसरे फाइल को कैसे लिंक के द्वारा ओपन करते हैं, टास्क बार क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, मेन्यू बार क्या होता है, स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार क्या होता है, उसके बाद आपने पेज के बारे में सीखा था, फिर फाइल मेन्यू से लेकर आपने टेबल मेन्यू के कुछ ऑप्शन के बारे में सीखा था। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें। आइए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। आज आप इंप्रेस के बारे में सीखेंगे। इंप्रेस क्या होता है, इंप्रेस का उपयोग क्यों करते हैं, इंप्रेस की फाइल को ओपन कैसे करते हैं, इंप्रेस के फाइल में काम कैसे करते हैं, स्लाइड्स क्या होती हैं, स्लाइड पेन क्या होता है, स्लाइड लेआउट क्या होता है, ड्राइंग बार क्या होता है, लाइन एंड फिलिंग टूल बार क्या होता है, और उसमें फॉर्मेटिंग की मदद से उसके डिजाइन को कैसे बदलते हैं, और इंप्रेस की फाइल में टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, उसके होम पेज के बारे में सीखेंगे जैसे कि स्लाइड लेआउट, स्लाइड डिजाइन क्या होता है। क्या आप बता सकते हैं कि इंप्रेस प्रेजेंटेशन क्या होता है? इंप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को स्लाइड के रूप में देख सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग प्रकार की डिजाइन लगा के उसमें चित्र ग्राफिक्स लगा के उसके अच्छे तरीके से देख सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ओपन ऑफिस में इंप्रेस पावर पॉइंट का उपयोग क्यों करते हैं? ओपन ऑफिस में इंप्रेस एमएस ऑफिस के पावर पॉइंट की तरह होता है, क्योंकि इंप्रेस अथवा पावर पॉइंट की मदद से आप अपने प्रोजेक्ट को और भी बेहतर तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि इंप्रेस के अंदर मल्टीमीडिया टूल जैसे कि साउंड, ग्राफिक, एनिमेशन जैसे ऑप्शन उपलब्ध रहते हैं जो आपके प्रोजेक्ट को और भी बेहतर बनाने के काम आता है। यह ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है। आइए अब सीखते हैं कि ओपन ऑफिस इंप्रेस को कैसे ओपन करते हैं। अगर आप विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 में से किसी एक विंडो का उपयोग कर रहे हैं तो इन सभी विंडो में इंप्रेस की फाइल को ओपन करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन विंडो एक्सपी और विंडो 7 में इंप्रेस की फाइल को ओपन करने का तरीका सेम है। इसीलिए अगर आप विंडो 8, विंडो 10 का उपयोग कर रहे हैं तो आप अलग से दिए गए वीडियो की मदद से सीखें। आइए अब विंडो एक्सपी और विंडो 7 में इंप्रेस की फाइल को ओपन करना सीखें। इंप्रेस पावर पॉइंट को भी वैसे ही ओपन कर सकते हैं जैसे कि राइटर की फाइल को ओपन किया था। क्या आप बता सकते हैं राइटर की फाइल को आप कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं? राइटर की फाइल को आप तीन तरीके से ओपन कर सकते हैं, जैसे कि स्टेप वाइज, डेस्कटॉप पर बने शॉर्टकट आइकन के द्वारा और शॉर्टकट कमांड के द्वारा। आप इंप्रेस की फाइल को भी तीन तरीके से ओपन कर सकते हैं, स्टेप वाइज, डेस्कटॉप पर बने शॉर्टकट आइकन के द्वारा और शॉर्टकट कमांड के द्वारा। आइए अब वीडियो को देखकर स्टेप वाइज तरीके से इंप्रेस की फाइल को ओपन करना सीखें। आइए अब स्टेप वाइज तरीके से इंप्रेस की फाइल को ओपन करना सीखते हैं। सबसे पहले अपना कर्सर या अपना पॉइंटर स्टार्ट बटन पर लेकर आएं।
लेफ्ट क्लिक करें उस पर, जिससे कि एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपको ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है, जिससे फिर से एक बॉक्स आ जाएगा जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। यहां आपको ओपन ऑफिस 4.1.1 ढूंढना है। जैसे आपको ऑप्शन मिल जाए, अपना कर्सर वहां पे लेके जाएंगे और लेफ्ट बटन दबा देंगे, जिससे ओपन ऑफिस के फीचर्स सारे दिखाई देंगे जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन की फाइल ओपन करनी है, इसीलिए ओपन ऑफिस इंप्रेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे एक बॉक्स ओपन होगा जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, एम्प्टी प्रेजेंटेशन, फ्रॉम टेम्पलेट। फ्रॉम टेम्पलेट से क्या होता है कि आप जो पहले से कुछ डिजाइन बने हुए हैं स्लाइड्स, अगर आप कुछ डिजाइन में चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है, फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे डिजाइन वाले स्लाइड आ गया है। अगर आपको इस तरीके से चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ओपनिंग एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन से आप पहले की बनी हुई फाइल्स को ले सकते हैं, जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमें एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए, इसीलिए एम्प्टी प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया और फिर जाके क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, जिससे आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। अब सामने दिखाया गया चित्र इंप्रेस का है। अब इस चित्र की मदद से इंप्रेस के बारे में जान लेते हैं। क्या बता सकते हैं कि टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार किसी सेव्ड फाइल का नाम और उस एप्लीकेशन का नाम दिखाता है। क्या बता सकते हैं स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है? स्टैंडर्ड टूल बार की मदद से आप अपने काम को जल्दी और आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड टूल बार में सभी मेन्यू के कुछ ऑप्शन उपलब्ध रहते हैं जो एक शॉर्टकट तरीके की तरह काम करते हैं। अब आप सामने दिए गए चित्र को देखें, इसे लाइन एंड फिलिंग टूल बार कहते हैं। क्या बता सकते हैं लाइन एंड फिलिंग टूल का उपयोग क्यों करते हैं? लाइन एंड फिलिंग टूल बार की मदद से आप किसी क्लिप आर्ट अथवा पिक्चर की लाइन और उसके अंदर कलर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सामने दिया गया चित्र को देखें, इसे स्लाइड पेन अथवा स्लाइड बार कहते हैं। स्लाइड बार आपकी उन सभी स्लाइड को दिखाता है जिन पर आप काम कर रहे होते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से सीखें कि स्लाइड बार को कैसे हाइड या शो करते हैं और इसके बॉक्स के साइज को कैसे कम अथवा ज्यादा करते हैं। आइए वीडियो की मदद से स्लाइड बार को हाइड करना और शो करना सीखें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जो स्लाइड के लेफ्ट में दिखाया जा रहा है इसको स्लाइड पेन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अगर इसको आपको हाइड करना है तो आपको कुछ बटन दिखाई दे रहे होंगे, आपको कर्सर वहां पे रखना है तो हाइड लिखा हुआ आ जाएगा और उस पर आप लेफ्ट बटन दबा दें। जैसे ही लेफ्ट बटन दबाएंगे, जो आपकी साइड बार थी वो हाइड हो जाएगी। अगर आप इसे लाना चाहते हैं जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, शो पे वहां पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो साइड बार है वो वापस आ जाएगी। अगर आप साइड बार के साइज को कम या ज्यादा करना चाहते हैं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप कर्सर को, आप पॉइंटर को वहां पे लेके जाएंगे तो डबल एडिट एरो बना हुआ आ जाएगा, जैसे वीडियो में देख सकते हैं। अगर इसको आप राइट साइड में ड्रैग करेंगे लेफ्ट बटन दबा के, तो जो आपकी जो साइड बार है वो बड़ी हो जाएगी। अगर इसको आपको साइज को कम करना है तो लेफ्ट बटन को आप वहां पे दबा के रखेंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है, और इसको लेफ्ट साइड में ड्रैग करेंगे। जैसे ही आप लेफ्ट साइड में ड्रैग करेंगे, जो आपकी साइड बार है वो पहले जैसे हो जाएगी। इस तरीके से आप साइड बार को हाइड और शो कर सकते हैं।
अब सामने दिए गए चित्र को देखें, इसे स्लाइड लेआउट कहते हैं। यह आपके स्लाइड के टाइप मतलब कि उसके स्टाइल को बदलने में मदद करता है। आइए अब वीडियो की मदद से स्लाइड लेआउट के डिजाइन के बारे में सीखें, कब किस लेआउट का उपयोग करना है ये भी सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं स्लाइड लेआउट को हाइड और शो कैसे करते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे एक बटन बना हुआ है हाइड का। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड लेआउट हाइड हो जाएगा, और वापस लाने के लिए इसी शो बटन पे क्लिक करेंगे जिससे आपकी स्लाइड लेआउट वापस आ जाएगी, जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। अगर आप स्लाइड लेआउट साइज को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर्सर रख के इसको ड्रैग कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया आपको, यहाँ पे बहुत प्रकार की लेआउट्स हैं। सबसे पहले ब्लैंक लेआउट्स हैं। यदि आप ड्राइंग बनाना चाहते हैं या कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इस स्लाइड का उपयोग करेंगे, इसे ब्लैंक स्लाइड कहते हैं। अगला ऑप्शन टाइटल स्लाइड का है। जैसे आप टाइटल स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास टाइटल स्लाइड आ जाएगी। इसके अंदर अगर आप कुछ टाइटल देना चाहते हैं और टेक्स्ट कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इस लेआउट की मदद से लिख सकते हैं। ये आपका टाइटल स्लाइड है। अगला ऑप्शन टाइटल कंटेंट का आता है। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, इसको टाइटल कंटेंट कहते हैं। इसके साथ आप टेक्स्ट के साथ कुछ इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट इंसर्ट करनी है तो यहाँ से आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट करनी है तो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट करनी है तो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, और मूवी या साउंड कुछ भी मल्टीमीडिया आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है टाइटल एंड टू कंटेंट्स का। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसके अंदर आपको टू कंटेंट्स मिलेंगे, तो आप एक साथ दो कंटेंट्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको एक साथ दो टेबल ऐड करना है तो आप दो टेबल ऐड कर सकते हैं, इसी प्रकार से दो पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन टाइटल ओनली का आता है। जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं, टाइटल ओनली, इससे आप सिर्फ टाइटल लिख सकते हैं। अगर आपको कोई इमेज लगानी है या इमेज इंसर्ट करनी है तो आपको ड्रॉइंग बार से इमेज को इंसर्ट करनी पड़ेगी। अगला ऑप्शन सेंटर टेक्स्ट का आता है। सेंटर टेक्स्ट से आप कुछ भी टाइप करेंगे वो आपके स्लाइड के बीच में आएगी। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर बीच में आ जाएगा। आप कुछ भी टाइप करेंगे तो बीच से लिखना स्टार्ट होगा। अगला ऑप्शन टाइटल टू कंटेंट्स का आता है। ये टाइटल टू कंटेंट्स एंड कंटेंट्स है। इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर टोटल तीन कंटेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी आप पिक्चर, मूवी, टेबल और चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन टाइटल टू कंटेंट ओवर कंटेंट का आता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसमें भी आप टेक्स्ट के साथ मूवी, इमेज, टेबल, चार्ट, इंसर्ट इत्यादि कर सकते हैं। अगला ऑप्शन टाइटल टू कंटेंट एंड कंटेंट का आता है। इसमें भी आप टेक्स्ट के साथ इन चीजों को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि चार्ट, टेबल, इमेज या कोई भी मल्टीमीडिया की चीजें, जैसे कि पिक्चर इत्यादि। अगला ऑप्शन टाइटल कंटेंट ओवर कंटेंट का आता है। इसके अंदर सबसे ऊपर टाइटल का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, उसके बाद कंटेंट का, फिर उसके नीचे कंटेंट का। इसके साथ आप ऊपर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और फिर उसके नीचे भी कोई भी कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन टाइटल फोर कंटेंट का आता है। इसके अंदर आपको टाइटल के साथ फोर कंटेंट दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं।
अगला ऑप्शन टाइटल सिक्स कंटेंट का आता है, इसके अंदर सिक्स कंटेंट दिए हुए हैं जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से स्लाइड लेआउट में अलग अलग लेआउट्स होते हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको ब्लैंक करनी है तो ब्लैंक पे क्लिक कर देंगे, आपकी स्लाइड ब्लैंक हो जाएगी। अब आप सामने दिए गए चित्र को देखें, यहां पर प्रेजेंटेशन फाइल के कुछ व्यू दिए गए हैं कि इंप्रेस में 5 प्रकार के व्यू के होते हैं, नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, हैंडआउट, स्लाइड सॉर्टर। इन ऑप्शन की मदद से आप अपने प्रेजेंटेशन फाइल को देख सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से देखें कि इन ऑप्शन से क्या होता है। ये स्लाइड व्यू के टाइप्स दिए गए हैं, जैसे को आपको बताया गया था, नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, हैंडआउट, स्लाइड सॉर्टर। ये सभी स्लाइड व्यू के प्रकार हैं। जैसे आपकी स्लाइड अभी नॉर्मल है, अगर आप अपने कर्सर को आउटलाइन पे लेकर जा क्लिक करें तो आपकी स्लाइड कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। अब नोट्स पे क्लिक करें तो आपकी स्लाइड्स इस तरह दिखाई देगी। अब अपने कर्सर को हैंडआउट पे ले जाएं, वहां पे लेफ्ट बटन दबा दें तो आपकी स्लाइड इस प्रकार से दिखाई देगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब अपने पॉइंटर को स्लाइड सॉर्टर पे लेके जाएं, वहां पे टच पैड अथवा माउस के द्वारा लेफ्ट बटन दबा दें तो आपकी स्लाइड इस प्रकार से आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसको नॉर्मल करने के लिए नॉर्मल पे क्लिक कर दें तो आपकी स्लाइड पहले जैसे आ जाएगी, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं ड्रॉइंग टूल बार का उपयोग क्यों करते हैं? ड्रॉइंग टूल बार की मदद से आप सर्कल, ओवल, रेक्टेंगल, स्टार इत्यादि की ड्राइंग बना सकते हैं। क्या बता सकते हैं स्टेटस बार का उपयोग क्यों करते हैं? इंप्रेस में स्टेटस बार स्लाइड के बारे में बताता है कि आप कितनी स्लाइड है और कौन सी स्लाइड पर आप काम कर रहे हैं, और साथ में आप जूम बॉक्स के उपयोग भी कर सकते हैं। क्योंकि राइटर की फाइल में आपके पास पेज होते हैं लेकिन इंप्रेस की फाइल में आपके पास स्लाइड्स होती है। आइए अब सीखें कि इंप्रेस में किसी स्लाइड को ब्लैंक स्लाइड में कैसे बदलते हैं और उसमें कैसे टाइप करते हैं। क्या बता सकते हैं टेक्स्ट टूल का उपयोग क्यों करते हैं? टेक्स्ट टूल की मदद से किसी भी स्लाइड के अंदर आप एक बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अब आप टेक्स्ट टूल की मदद से अपने नाम टाइप करें। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से सीखें किसी भी स्लाइड लेआउट को ब्लैंक लेआउट में कैसे बदलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पास टाइटल स्लाइड है, जैसे आप इस पर क्लिक किया तो इसके अंदर कर्सर आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है, और ये इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं जितने भी फॉर्मेटिंग्स हैं वो सारी फॉर्मेटिंग्स आपके राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं। जैसे अपने कर्सर को साइड में क्लिक करेंगे ये फिर से पहले जैसे बन जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। क्योंकि हमें इसे ब्लैंक स्लाइड में कन्वर्ट करना है, इसीलिए लेआउट में जाके ब्लैंक स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप ब्लैंक स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइड ब्लैंक हो जाएगी। अगर आपको इसके अंदर कुछ टाइप करना है तो उसके लिए आपको टेक्स्ट टूल का उपयोग करना होगा। जैसे कि आप ड्राइंग बार में देख सकते हैं पॉइंटर को ले गए, वहां पे टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किया और स्लाइड पे जाके हम इसे ड्रैग करेंगे।
जैसे ही आप टेक्स्ट टूल से ड्रैग करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा और उसके अंदर आपको टाइप करना है। जैसे वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे टाइप किया जा रहा है, टाइप किया गया है माई नेम इज रोहित, ये हमने यहाँ पे टाइप किया। अब फिर से हम टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे और सिर्फ स्लाइड में जाके एक बार क्लिक कर देंगे, एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जब आप क्लिक करेंगे और इसके अंदर टाइप करेंगे तो आप कुछ भी टाइप करेंगे वो स्लाइड के बाहर तक आएगी। अब हमने यहाँ पे फिर से टाइप किया है माय नेम इज रोहित, अगर आप इस लाइन को कुछ ऐड करना चाहते हैं, इसके आगे कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे कर्सर को ले जाएंगे और वहां पे जाके लेफ्ट बटन को दबा देंगे। जैसे ही लेफ्ट बटन दबाएंगे एक फिर से बॉक्स आ जाएगा, जैसे वीडियो में आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये बॉक्स आ गया है। हमें नई लाइन लेनी है जिसके लिए हम एंटर बटन का उपयोग करेंगे, कीबोर्ड में से एंटर बटन को एक बार प्रेस कर देंगे। जैसे एंटर बटन एक बार प्रेस करेंगे आपका कर्सर नीचे आ जाएगा, फिर हम यहाँ पे टाइप करना शुरू करेंगे। अगली लाइन में हम लिखेंगे, जैसे वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा जा रहा है आई एम एट ईयर्स ओल्ड। अब फिर से अगर इसके अंदर आपको एडिटिंग करना है, जैसे आप नीचे देख सकते हैं नीचे वाली लाइन को हमें यहाँ पे कुछ अलग से ऐड करना है, तो मैं अपने कर्सर को यहाँ पे लाए और लेफ्ट बटन को दबा दिया। जैसे हमने लेफ्ट बटन को दबाया तो बॉक्स आ गया, आप वीडियो में देख सकते हैं। हमें नई लाइन चाहिए, इसके लिए हम एंटर बटन को प्रेस करेंगे। जैसे एंटर बटन को प्रेस किया एक लाइन आ जाएगी नीचे, और फिर हम यहाँ पे टाइप करेंगे आई एम 8 years old, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप टेक्स्ट टूल की मदद से एक ब्लैंक स्लाइड के अंदर आप टाइप कर सकते हैं। आइए अब सीखते हैं कि एक न्यू स्लाइड कैसे लेते हैं और इस स्लाइड को भी आप बताए गए तरीके से ब्लैंक स्लाइड में बदलें। अब आप दूसरी स्लाइड में अपने स्कूल के बारे में टाइप करें। आइए वीडियो को देख के सीखते हैं न्यू स्लाइड कैसे लेते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं ये स्लाइड पेन है, आपको कर्सर को यहाँ पे लेके जाना है। यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टार्ट स्लाइड शो, हाइड स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड। अब आपको यहाँ पे स्लाइड पे आपको बीच में कर्सर को रखना है और यहाँ पे आपको राइट बटन एक बार दबाना है तो एक बॉक्स आ जाएगा, क्योंकि हमें नई स्लाइड लेना है तो इसलिए न्यू स्लाइड पे क्लिक कर देंगे, इससे आपकी एक नई स्लाइड आ जाएगी जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब हमें इस स्लाइड पे कुछ लिखना है तो उसके लिए हम टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है हमने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किया और स्लाइड में हम इसको जाके ड्रैग करेंगे तो एक बॉक्स आ जाएगा और उस बॉक्स के अंदर हम टाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे जैसे कि वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है, सभी अपनी फाइल को क्लोज करें, अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए अपनी फाइल को क्लोज करना सीखते हैं। सबसे पहले अपने पॉइंटर को क्लोज बटन पर लेके जाएं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहां पर अपने टच पैड अथवा माउस के द्वारा लेफ्ट बटन दबा दें। जैसे ही लेफ्ट बटन दबाएंगे आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे, सेव, डिस्कार्ड और कैंसिल।
क्योंकि हम इस फाइल को सेव नहीं करनी, इसलिए डिस्कार्ड पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। अब आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करें। आज की कक्षा में आपने इम्प्रेस के बारे में सीखा, इम्प्रेस पावर पॉइंट क्या होता है और इसका उपयोग क्यों करते हैं, लाइन एंड फिलिंग टूल बार क्या होता है, स्लाइड पेन क्या होता है, स्लाइड लेआउट लेआउट बार क्या होता है, और सबसे बाद में टेक्स्ट टूल का उपयोग करना सीखा।